दोस्तों मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कैसे बने, मेरा छोटा सा वीडियो देख लीजिए, बहुत बहुत काम का है। जीवन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान भली भांति हो सकता है, बस 2 मिनट निकाल लीजिए। नंबर 1, अपने वीर्य की रक्षा करें। वीर्य शरीर को बल देता है और महिलाओं में रज तत्व की रक्षा करता है। महिला हो या पुरुष, इस काम को कर लीजिए, आपके जीवन में काम आने वाला है, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, आपके शरीर को मजबूत करने वाला है, आपके दिमाग में ताकत देने वाला है। नंबर 2, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतानें कमजोर ना हो, अविकसित ना हो, विकलांगता ना हो, दिमाग से मंद बुद्धि ना हो, तो धैर्य धारण करना सीख लीजिए, ये आपकी संतान में भी गुण आएगा। नंबर 3, प्रोटीन हमेशा से प्राकृतिक रूप से जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उसी का उपयोग करें। अननेचुरली या मशीनों से बना हुआ प्रोटीन कभी भी उपयोग ना करें। आपका शरीर देखने में तो सुदृढ़ लग सकता है। खासकर जिम जाने वाले भाइयों से मेरी विनती है कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वही प्रोटीन उपयोग करें। जैसे दाल, चना, सत्तू, सोयाबीन आदि का उपयोग करेंगे तो इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि सोयाबीन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये पचता नहीं है। इसलिए अच्छी जानकारी लेकर नेचुरल चीजों का उपयोग करना सदैव आपके हित में रहेगा। नंबर 4, हमेशा प्रसन्न रहें। अश्लील फोटो, अश्लील फिल्म, अश्लील वीडियो कभी ना देखें। अपने आप को आनंदित महसूस करें। वर्तमान में जिए, भविष्य की ना सोचे। अपने ऊपर विजय प्राप्त करें और नित्य मंदिर जरूर जाएं। अगर भगवान की शरण में रहेंगे तो इन सारी चीजों से बचे रहेंगे। नंबर 5, शुद्ध शाकाहारी बने। शुद्ध शाकाहारी बनेंगे तो आप में एक अलग ही बात होगी। जैसे दारा सिंह जी थे, वो मांसाहारी नहीं थे लेकिन फिर भी इतने बलिष्ठ थे कि विश्व में उनका टंका बोला। अगर आपने 6 महीने ये काम कर लिए तो आपकी अंदरूनी मांसपेशियां और आपका दिमाग दुरुस्त होने लगेगा। इतना कर लीजिए, जीवन एक अलग दिशा में जाएगा। आप में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी आएगी कि आपका शारीरिक सौंदर्य और आपका दिमाग बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब उनमें मजबूती आ जाएगी तो आप जीवन का हर काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। चेहरे पर चमक होगी, एक अलग ही रौब आपके चेहरे पर होगा। करके देखिए, अच्छा लगेगा, रिजल्ट मिलेगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।